हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा वीडियो है वो भी प्रोडक्ट रिव्यू है, लेकिन जो वो प्रोडक्ट है वो अभी की सिचुएशन के हिसाब से है। जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है और हर तरफ ये जो कोरोना फैला हुआ है, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या अभी लगता है ज़रूरी है, वो है अपनी इम्यूनिटी। तो आज मैंने जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने का सोचा है वो है इम्यूनिटी के लिए कैप्सूल्स हैं, जो कि आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आज रिव्यू बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंस भी बताऊँगी और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको भी और मुझे काफ़ी इसने हेल्प किया है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसका आपको रिव्यू करके इसके बारे में डिटेल में बताऊं। इस इम्यूनिटी बूस्ट कैप्सूल की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस कैप्सूल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। और मैं अदर ब्रांड को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उसने मुझे ये प्रोडक्ट भेजा कि मैं इसका रिव्यू करूँ। पहले मैं इसको खुद एक्सपीरियंस करूँ और मेरा जो भी एक्सपीरियंस आता है मैं आपसे शेयर करूँ। तो आज मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, उसके पहले मैं आपको बताऊँगी इस प्रोडक्ट के बारे में और इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में लास्ट में आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी प्रो कैप्सूल की। जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का डब्बा है और इस पे ऑरेंज कलर की पैकेजिंग है, जिस पे लिखा हुआ है इम्यूनिटी प्रो इम्यूनिटी एंड एनर्जी बूस्ट। अब जब ये ढक्कन आप ओपन करेंगे तो इसको कॉटन हटाने के बाद आपको कैप्सूल्स दिखेंगे। आप देख सकते हैं हाफ हो चुकी है क्योंकि मैंने हाफ कंज्यूम कर लिया है और इसका काफी अच्छा मुझे अपने ऊपर इफेक्ट भी दिख रहा है, अपनी स्किन पर, अपने आप में काफी एनर्जी सी भी फील हो रही है। और ये जैसे पाउडर फॉर्म में है तो इसका इन्होंने क्या किया कि इसको कैप्सूल में डाल दिया उस पाउडर को। जनरली हमें पाउडर खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हम पाउडर कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो इन्होंने उसको कैप्सूल के फॉर्म में कर दिया ताकि आपको क्वांटिटी का भी टेंशन नहीं रहे कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। अगर एक कैप्सूल लेनी है तो एक कैप्सूल के हिसाब से कितनी क्वांटिटी है, और दो कैप्सूल लेनी है तो दो हिसाब के हिसाब से आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसमें मिला हुआ है तुलसी, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, भृंगराज, कुटकी, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ग्राम है और गिलोय, ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में इसमें मिली हुई है। अब बात करते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो इसको यूज़ इस तरह से करना है कि दो कैप्सूल जो है आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे पानी के साथ लेना है और ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करे, आप ज़्यादा एक्टिव रहे, इसलिए डेली यूज़ करना है। उसके सिवा भी आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपका लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए, तो इनका व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि 100% नेचुरल है, फार्म बेस्ड है, यानी कि पहले इनकी प्लांटिंग होती है, खेती होती है, उसके बाद ये जो है वहाँ से फार्म से लिए जाते हैं। प्लांट बेस्ड इनके सारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्लांट बेस्ड हैं, नॉन जीएमओ है, मीन्स कि इसमें कोई भी जेनेटिकली इसमें कोई भी चीज़ें मॉडिफाइड मिली हुई नहीं है। और दूसरा ये कि पहले इसको हैवी मेटल पे भी टेस्ट किया गया हुआ है। अब बात करते हैं आयुर्प्राश की। तो आप आयुर्प्राश का भी देख सकते हैं, व्हाइट कलर का ही डब्बा है लेकिन इस पे डार्क ब्राउन कलर की पैकेजिंग है, मीन्स की लेबल जो है डार्क ब्राउन कलर का है। और इन्होंने लिखा हुआ है च्यवनप्राश इन अ कैप्सूल। हम जनरली च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश लेते हैं, तो इन्होंने जो भी च्यवनप्राश में चीज़ें मिली होती हैं इन्होंने अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें एक कैप्सूल में डाली हुई हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसमें जो बॉक्स पे लिखा हुआ है वो कुछ ही चीज़ें मिली हुई हैं, शायद स्पेस नहीं होने की वजह से इन्होंने अलग से एक लिस्ट भी दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आयुर्प्राश में मिली हुई हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आंवला, गिलोय, तुलसी, ब्राह्मी, जटामांसी, लौंग, अश्वगंधा, मुलेठी, तेज पत्ता, सिनेमन, ये सारी लिस्ट इन्होंने दी हुई, सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। टोटल जो है इसमें 31 एक्टिव इन्ग्रीडियंट हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। और आयुर्प्राश की भी जो कैप्सूल है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि इम्यूनिटी प्रो की है। इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये 100% नेचुरल है, फार्म बेस्ड है, नॉन जीएमओ है, ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से इनको जो भी क्वेश्चन हैं आपके पूछ सकते हैं। इसे भी सेम उसी तरह से लेना है, दो कैप्सूल है, वाटर के साथ ले सकते हैं। इसको भी डेली आप ले सकते हैं, आप अगर आपको ज़्यादा अच्छा और एक्टिव फील करने के लिए आप इसे डेली दो कैप्सूल ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और अदर का हैंड सैनिटाइज़र भी आता है स्टे इम्यून करके, एलोवेरा हैंड सैनिटाइज़र, ये भी इन्होंने मुझे भेजा हुआ है। और सैनिटाइज़र के बारे में तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, बट इस सैनिटाइज़र का ये प्लस पॉइंट है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं। आप आयुर्प्राश या इम्यूनिटी प्रो बाई करते हैं तो उसके साथ आपको ये कार्ड भी मिलते हैं जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको कैसे यूज़ करना है। आयुर्प्राश में ज़्यादा इन्ग्रीडियंट है तो उन्होंने अलग से एक लिस्ट दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं।
इम्यूनिटी प्रो का भी सेम ऐसे ही है कि आप इसमें देख सकते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्पफुल हो जाएगा। सो गाइज, अब बात करते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की कि मैंने यूज़ किया और मेरा खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको यूज़ करने में। तो मैं इसे लास्ट 15 डेज से ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ, एंड मैं कहूँगी इम्यूनिटी का तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी 15 डेज में इतना मुझे नहीं कुछ ऐसा पता चला, लेकिन अगर एनर्जी लेवल की बात करूँ तो ऑब्वियसली मुझे अपना एनर्जी लेवल जो है काफ़ी अप लगा। मुझे जो एक टायर्डनेस और थोड़ा सा काम करने के बाद थोड़ा आदमी थक सा जाता है, वो उन सब चीज़ों में मुझे काफ़ी अपना लगा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उतना मैं थक नहीं रही हूँ और एनर्जी एक है जो काफ़ी मेंटेन है, सुबह से शाम तक मैं ज़्यादा वर्क कर पा रही हूँ। बट एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे मैं काढ़ा लेती हूँ डेली, रोज़ लेती हूँ, अभी के जिस तरह का वेदर चल रहा है उस हिसाब से काढ़ा वगैरह चीज़ें मस्ट हो जाती हैं, तो वो जो चीज़ें मैं काढ़ा में डालती हूँ वो सारी चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें इस एक कैप्सूल में है, तो ऑब्वियसली ये इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेगा ही, क्योंकि हमारे पहले के टाइम में जो हमारे दादी नानी के टाइम पर लोग चीज़ें यूज़ करते थे वो यही सारी यूज़ करते थे और काफ़ी हाई मतलब इम्यूनिटी के उससे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे होते थे, एंड उसके सिवा वो काफ़ी एक्टिव भी होते थे। आज के टाइम पे वो सारी चीज़ें थोड़ा सा लो हो गई हैं, तो इसमें एक ही बहुत प्लस पॉइंट है कि सारी चीज़ें नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हमारे जो एंसेस्टर हैं वो यूज़ करते हुए आए थे और हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस कैप्सूल को ज़रूर कंज्यूम करें, ये काफ़ी अच्छी है, आपको इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगी, आपकी एनर्जी लेवल को भी अच्छा रखेगी, तो आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों लेते हैं आयुप्राश और इम्यूनिटी प्रो कैप्सूल, तो इसका जो प्राइस है वो है 1350 रुपये नेटमेड्स की साइट पे, जो कि काफ़ी रेपुटेटेड है, और अगर आप सिर्फ इम्यूनिटी प्रो कैप्सूल लेते हैं तो वो 378 रुपीज़ की है। मेरा इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने का एक रीज़न ये भी था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी बढ़ावा देता है। इनके जो कंपनी है इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया उसमें मोस्टली वुमेंस हैं और ये वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी इनकरेज करते हैं, ये चीज़ मुझे इस ब्रांड की बहुत अच्छी लगी थी। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन बाय बाय।